हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में एरे वगैरह देख रहे थे। आज हम थोड़ा आगे आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारा लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन, ये तीनों हम लोग देखे थे। अब उससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या काम करता है? चेक बॉक्स स्पेशली टिक लगाने का काम करता है, एक साथ मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने का काम करता है। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि चेकबॉक्स इज यूज फॉर सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन, मतलब जहाँ हमारा दिया हुआ है वहाँ से बहुत सारा। जैसे देखिए, हम चेकबॉक्स का एक ऑप्शन आपको दिखाते हैं। हम लोग जैसे एम एस वर्ड खोलते हैं, देखिए एम एस वर्ड में हम आपको चेकबॉक्स दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फॉन्ट खोले, ये देखिए ये सब क्या दिख रहा है आपको, चेकबॉक्स दिख रहा है। मतलब एक साथ हम कई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, यही चेकबॉक्स है। इसी चेकबॉक्स का काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। इस चेकबॉक्स को देखिए, यहाँ पे चेकबॉक्स है। चेकबॉक्स का प्रॉपर्टीज, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, हमने यहाँ लिया पोस्टल फैसिलिटीज, पोस्टल फैसिलिटीज। इस तरह हम लोग लेते हैं दूसरा बस फैसिलिटीज, और तीसरा लेते हैं हम लोग लाइब्रेरी फैसिलिटीज। अब ये तीन हमारा आ गया। इस तीनों को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे? इस तीनों को हम वैसे हैंडल करेंगे जैसे हम लोग याद करिए बुलियन। बुलियन में क्या है कि यहाँ पर ये होस्टल जो है, या तो ये टिक होगा, या तो इसको जैसे हम इसको रन कराते हैं फाइव से, या तो इसको टिक करेंगे या तो इसको टिक हम लोग नहीं करेंगे। तो अगर टिक करेंगे तो वह वन कहलाएगा, अगर टिक नहीं करेंगे तो वह जीरो कहलाता है। इसका वैल्यू प्रॉपर्टीज है। देखिए यहाँ पर इसका प्रॉपर्टीज में एक वैल्यू प्रॉपर्टीज होगा। वैल्यू देखते हैं, जीरो फॉर अनचेक्ड और यहीं पर वन फॉर चेक्ड। तो अगर ये चेक है मतलब ये वन है, और अगर ये जीरो है मतलब ये अनचेक्ड है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है इसमें। और यहाँ पर हमको अब लेकर चलना होगा कौन सा, बुलियन वाला कंसेप्ट। देखिए ये हमारा लेबल है, इस लेबल को हम यहाँ पर लेते हैं, इस लेबल को हम यहाँ पर ऐसे लंबा सा ले लिए लेबल को, और इस लेबल का जो कैप्शन था कैप्शन को हम हटा लिए, और फॉन्ट इसका थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं ताकि आप लोग को ढंग से दिखाई पड़े। चलिए लेबल का फॉन्ट भी हमने बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे एक कमांड बटन हम उठाते हैं। जैसे इस कमांड बटन पे ओके पे हम क्लिक करें, इसका कैप्शन में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करें तो जो सिलेक्टेड हो उसको यहाँ पर दिखाना शुरू कर दें। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट इसका नेम क्या होगा, चेक वन, इसका नेम चेक टू, और इसका नेम चेक थ्री। तो चेक वन मीन्स होस्टल फैसिलिटी, चेक टू मीन्स बस फैसिलिटी, और चेक थ्री मीन्स लाइब्रेरी फैसिलिटी। तो देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, इफ चेक वन डॉट वैल्यू अगर बराबर हो ट्रू के, बराबर हो जीरो के, एंड चेक टू डॉट वैल्यू अगर बराबर हो जीरो के, एंड चेक थ्री डॉट वैल्यू बराबर हो जीरो के, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेबल वन डॉट कैप्शन इक्वल टू नो एनी सेलेक्शन, हो गया हमारा। यहाँ पर हम एक छोटा सा बना के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो बुलियन वाला हमारा चीज था, जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो और वन वन वन, याद करिए ये चीज़ दिख रहा है, ध्यान है ये चीज, यही चीज है। पहला हो गया चेक वन, दूसरा हो गया चेक टू, तीसरा हो गया चेक थ्री। इसको हम लोग कर सकते हैं, चेक वन हो गया, ये हमारा चेक टू हो गया, और ये हमारा चेक थ्री हो गया। इस तरीके से हम इसको दिख रहा है, तो चेक वन चेक टू चेक थ्री इस तरीके से करके हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको। तो अभी तो ये हमारा पहला हो गया जीरो जीरो जीरो, उसके बाद इस पर चलेंगे जीरो जीरो वन पे, देखिए वो हम दिखाते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, कंट्रोल डी से पेस्ट कर लिए, और इसके आगे लगा लिए इल्स। इल्स इफ चेक वन जीरो, चेक टू जीरो, और चेक थ्री क्या हो वन हो,
तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट क्या था, बस फैसिलिटी, बस फैसिलिटी के बाद सबसे लास्ट था लैंडिंग फैसिलिटी, यहाँ पर आ जाएगा क्या, हम लोग दे देंगे यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी, लैंडिंग फैसिलिटी हो गया हमारा। इसी तरीके से सबको बारी बारी से लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, चलिए दो तीन बार टेस्ट हम लोग करते हैं। चलिए एक बार हो गया, अब इसको वन कर लें हम लोग और इसको जीरो कर लें नेक्स्ट वाला, तो क्या हो जाएगा, ये बस लाइब्रेरी फैसिलिटी, ये हो जाएगा बस फैसिलिटीज, बस फैसिलिटीज। अब क्या करें हम लोग, इसको जीरो किए हैं, दोनों को वन वन कर दें, ये हो जाएगा बस एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज, बस एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब अगला क्या है, फोर के लिए ये हो जाएगा वन, ये जीरो, ये जीरो, याद करिए फोर का बाइनरी वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा क्या था, पोस्टल, पोस्टल फैसिलिटी। इसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, चलिए सिक्स में क्या था, ये वन हो, ये जीरो हो, फाइव में और ये वन हो, तो ये हो जाएगा होस्टल, होस्टल एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी, होस्टल एंड एल आई बी आर ए आर, होस्टल एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी हो गया। अब इसमें क्या क्या हो जाए, ये वन हो जाए, ये वन हो जाए और ये जीरो हो जाए, तो ये हो जाएगा होस्टल एंड बस फैसिलिटीज हो गया। और लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, तीनों वन हो जाएगा, तीनों वन हो जाएगा, ए बी वन, ए बी वन और ए बी वन। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल फैसिलिटीज सिलेक्टेड, या होस्टल बस एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी, ऐसे में कर सकते हैं होस्टल कॉमा बस एंड एल आई बी आर ए आर वाई लाइब्रेरी फैसिलिटी, क्लियर है। देखिए अब इसको हम रन करा रहे हैं, यहाँ से इसको हम रन कराए, देखिए जिस पे हम टिक मारेंगे, यहाँ पर हमारा इंडिप छूट गया था, इंडिप छूट गया। अब देखिए इसको हम रन कराते हैं हम लोग, होस्टल फैसिलिटी, बस फैसिलिटी, होस्टल एंड बस फैसिलिटी, होस्टल बस लाइब्रेरी, जिसको हटा दें हम उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं क्लियर से, कोई कन्फ्यूजन, नो एनी सिलेक्शन, जिसको सिलेक्ट करें हम वो आएगा, जिसको हटा दें वो सिर्फ, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग ओके पे क्लिक कर करके काम कर सकते हैं। अगर हम ये चाह रहे हैं कि नहीं ओके पे नहीं क्लिक करें, डायरेक्टली काम करना शुरू करते हैं, तो इस पूरे को कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और सब पर इसी पर जाके होस्टल वाले पे चेक वन पे पेस्ट कर देंगे, इसी तरीके से चेक टू पर पेस्ट कर देंगे और इसी तरीके से चेक थ्री पर भी पेस्ट कर देंगे, ठीक। अब जब इसको रन कराइएगा तो सिर्फ क्लिक करने से ही ये काम कर जाएगा, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये फास्ट वर्किंग हो रहा है हमारा, लेकिन फास्ट वर्किंग से पहले आपको ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग, हमारा चेकबॉक्स है, हम लोग चेकबॉक्स को इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं, चेकबॉक्स इजली हम लोग बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए यहीं पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, आज चेकबॉक्स हमने सीखा और चेकबॉक्स को आप लोग रन कराने का कोशिश करिएगा और प्रोग्राम देखिएगा, आपको मिला हुआ पड़ा हुआ मिलेगा कहाँ पर, यूट्यूब वगैरह पे खोजिए, बहुत सारे टूल्स हैं आपके सामने में, सबको खोजिएगा तो वहाँ से मिल जाएगा। थैंक्स, सबको समझ में आया होगा जो हमने अभी वीडियो बताया है छोटा सा, और आप इस वीडियो को खुद से बनाने का कोशिश करें, जब तक खुद से नहीं बनाइएगा कोई नहीं समझा सकता है आपको, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट में आप जाइएगा जहाँ वर्किंग में जाइएगा यही सब आपका काम आएगा, ठीक। थैंक्स।